नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या फिर हम लीच थेरेपी करवा सकते हैं। ये टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने एक न्यूज़ में देखा, द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, मैंने 2 जनवरी 2020 को, यानी अभी रिसेंट की न्यूज़ थी कि द नेम ऑफ द पर्सन वॉज श्रवण कुमार, जिनकी डेथ हो गई जब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उसके जस्ट 28 आवर्स के बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो आज मैं आपको ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, तो मैं इसके बारे में आज अपनी वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाते हैं, जब किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर जैसे एलोपेशिया यानी गंजापन, जब बाल्डनेस आने लग जाती है, स्पेशली मेल्स में ये ज़्यादा होता है, फीमेल्स में क्या होता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके अलावा अगर कभी किसी को चोट लग जाती है, स्कैल्प में चोट लग गई है उसकी वजह से वहाँ पे बाल नहीं है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से बाल नहीं है, किसी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ से बाल जाने लग जाते हैं। तो अगर किसी प्रॉब्लम से, अगर इन्हीं किसी रीजंस की वजह से अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं या फिर वहाँ के बाल लॉस हो रहे हैं तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो ये कितने हद तक ठीक है और आपको इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो साइड इफ़ेक्ट यही आता है कि आपको जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्वेलिंग की आपके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, आपके हेड पे स्वेलिंग आ सकती है, तो ये सबसे फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा आपको इचिंग हो सकती है, यानी जो एरिया सर्जिकल साइट जो होती है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, पस बन सकता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 days तक आपको स्ट्रेट सोने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। आपको एडवाइस दी जाती है कि आप या तो 40 degree या 45 degree की पोजिशन में आप बैठें, ताकि जो ये वाला एरिया है जो वहाँ पे फॉलिकल्स लगाए गए हैं तो वहाँ पे आपको प्रेशर ना पड़े, ताकि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो अच्छे से बैठ सके, वहाँ पे अच्छे से सेट हो सके। इसीलिए आपको इस पोजीशन में रहने की सलाह दी जाती है 2 to 3 days तक एटलीस्ट। इसके अलावा और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि जो ये वाला एरिया है किसी किसी में वो सुन्न हो जाता है, वहाँ पे हमेशा मतलब नम हो जाता है वो एरिया, और किसी किसी में क्या होता है इसका ऑपोजिट होता है कि हमेशा वहाँ पे एक सेंसेशन सी रहती है, हमेशा उसको लगेगा कि सर में कुछ ना कुछ सेंसेशन चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है उसके हेड में। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। तो अब आप लोग पूछेंगे कि हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएं तो हम गंजे तो नहीं रह सकते, हम अपने जो हेयर्स हैं उनको मतलब ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, हेयर फॉल हो रहा है हमें तो हम उसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। देखिए, इसके अलावा आप कुछ ऐसा ट्राई कीजिए जो कि साइड इफ़ेक्ट फ्री हो, यानी जैसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो आज हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट, और दूसरी हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट आप कराते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर भी होता है और दूसरा ये कि इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो इसीलिए हर पर्सन भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है जो कि साइड इफ़ेक्ट फ्री हो, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते तो इसके अलावा जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो है लीच थेरेपी, यानी जलूका थेरेपी। आयुर्वेद में जलूका थेरेपी रक्त मोक्षण के अंतर्गत आती है। ये जहाँ पे हमारे शरीर में जहाँ पे भी रक्त दूषित हो जाता है, जहाँ पे भी पित्त दोष इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे हम जलूका थेरेपी करते हैं। तो जलूका थेरेपी से रिलेटेड हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताऊँगी, जैसे मान लीजिए हम हेयर लॉस की बात कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो हेयर लॉस हो रहा है वहाँ पे, हेयर फॉल हो रहा है, उसकी वजह से ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देखना पड़ता है।
तो ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, जो मान लीजिए आपका स्कैल्प है, यहाँ के बाल चले गए हैं, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रही है। दूसरा कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आपका पित्त दोष इंक्रीज़ हो गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आप अगर जलोका थेरेपी कराते हैं तो जो आपके जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक स्कैल्प का एक पार्ट है जहाँ पे आपके बाल चले गए हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है कि आपके वहाँ पे उस एरिया में हम जलूका लगाते हैं। उसके बाद वो जो वहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है वो उसको सक करता है। उसके बाद वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो जलूका होता है उसके सलाइवा में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि वहाँ पे न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है, इसकी वजह से भी हेयर ग्रोथ होती है। और दूसरा, जब इम्प्योर ब्लड वहाँ से हट जाता है, जब दूषित रक्त वहाँ से हट जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और वो भी फिर हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है। तो ये एक रीज़न है, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको जलूका थेरेपी करवानी चाहिए, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, या फिर आपको एलोपेशिया है। इसके अलावा अगर हम जैसे अगर हम बात करें कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं तो उसका क्या प्रोसीज़र होता है? सी, इसके प्रोसीज़र के बारे में मैं इतने अच्छे से डिटेल में अभी नहीं आपको बता पाऊँगी, लेकिन हाँ देखिए, इसका यह होता है कि जो मान लीजिए जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, आपकी बॉडी में से ही बाल लिए जाते हैं, जहाँ पर थोड़े घने बाल होते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा बाल होते हैं, तो फिर वहीं उसी एरिया से बाल लेके और फिर जिस एरिया में बाल कम होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो रोम होते हैं यानी फॉलिकल्स होते हैं उसको निकाला जाता है। तो फॉलिकल्स क्या होते हैं? जो हमारा सर हुआ यानी कहीं पे भी हमारे शरीर में जहाँ पे भी बाल हैं, तो वहाँ के जो फॉलिकल्स यानी जो रोम के अंदर, रोम ही बोल सकते हैं हम, तो वहाँ से नए बाल आते हैं, तो उसको निकाल के और फिर दूसरी जगह पे जहाँ पे बाल नहीं होते उसको वहाँ पे सेट किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे दोबारा से बाल आ सकें। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीज़र होता है। और लीच थेरेपी इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव प्रोसीज़र और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, कोई इंसीजन नहीं किया जाता, इट्स अ नेचुरल प्रोसीज़र। तो इसमें पेशेंट को कोई ऐसा पेन भी नहीं होता, कोई स्वेलिंग नहीं होती, पेशेंट को कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि आपको तेज़ नहीं चलना या फिर कुछ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं लगाई जाती हैं उन पर। इससे क्या दो फायदे हैं इससे आपको, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, आपके हेड में सोरियासिस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी अगर आपको जलूका थेरेपी आप कराते हैं तो आपके सोरियासिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है और साथ में वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो कि आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप जलूका थेरेपी करवाने से पहले, जैसे हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके क्वेश्चंस में दूर करना चाहती हूँ, आपकी क्वेरीज दूर करना चाहती हूँ, ताकि आप ये चीज़ें ईजिली ऑप्ट कर सकें। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आप एक बार जलूका थेरेपी ज़रूर करवाइए। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको नमनेस हो सकती है, जैसा मैंने बताया, पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्ट करने से पहले आप जलूका थेरेपी ज़रूर करवाइए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये थेरेपी कराना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आके ये थेरेपी करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी आपको, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी पर्सन नीडी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।